दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज निखिल कुमार जी ने हमको एक अपना साधना का एक विस्तृत प्रक्रिया भेजी है, वो पहले भी भेज चुके हैं, तो इसे काले जादू या इल्म का जो है साधना बोलते हैं और मुस्लिम पद्धति से साधना की जाती है। इस वजह से ये ऐसी भयानक साधना है जिसको करने से पहले ज़रूर इस बात के लिए सोच लें कि आपके गुरु मजबूत होने चाहिए, साथ ही साथ आप के पास गुरु मंत्र की दीक्षा होनी चाहिए, पूरी तरह से आपने उसका अनुष्ठान पूरा किया हुआ हो, तभी इस तरह की कोई साधना करें, क्योंकि पूरी तरह से ये नकारात्मक शक्तियों को जगाने की साधना भी कही जाती है। इसलिए आप जब उस शक्ति को जगाएंगे तो उसको कंट्रोल में करना या उसको नियंत्रित करना आपका बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आप नियंत्रित उसको नहीं कर सकेंगे तो फिर वो आपको नुकसान करके भी चली जा सकती है, और इस तरह की साधनाओं में इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो जो उन्होंने पत्र भेजा है, चलिए उसको पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने साधना के बारे में जो जो भी बातें हैं वो कैसे बताई हैं और कैसे इसको किया जा सकता है। साथ ही साथ उनके दो तीन प्रश्न हैं, उनके भी जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म रहस्य देखने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। गुरु जी को दिल से प्रणाम। गुरु जी, मेरा नाम निखिल कुमार है। गुरु जी, मैं आपको आज एक साधना भेजना चाहता था लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। गुरुजी, यह साधना काले जादू की है जिसे काला जादू बोलते हैं, काला इल्म भी इसे कहा जाता है। गुरुजी, मुझे यह साधना एक दोस्त के गुरुजी के जरिए मिली थी। उससे पहले गुरुजी आप मुझे बताइए कि मैं आपसे गुरु मंत्र की दीक्षा चाहता हूँ। आप ज़रूर बताएं मुझे, आपकी वीडियो के नीचे दीक्षा का लिंक है, वहाँ पर ऑनलाइन कहीं प्राप्त होगी, ज़रूर बताएँ गुरुजी। मेरा बहुत मन करता है गुरुजी शक्तियाँ देखने को। गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करो प्लीज़। गुरुजी, मैं आपको ही इस दुनिया में एक सच्चा साधक मानता हूँ। गुरुजी, आप ही हो। मैं आपको अब इस साधना के विषय में बताना चाहता हूँ। किसी भी शनिवार को शाम को लगभग 6 बजे से 8 बजे के बीच में एक 1.25 मीटर का आपके पास एक काला कपड़ा होना चाहिए, और उस काले कपड़े के साथ कुछ रुई, 21 नारियल और 11 लौंग आपको ले लेनी है। उस काले कपड़े में बांधकर एक पोटली सी बनाकर किसी शमशान या कब्रिस्तान में जाइए और न्योता देकर आएं कि कालदेव, यानी कि या जिनको त्रिकाल देव कहते हैं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में विराजमान हो जाएं, मैं आपको अपने पास रखना चाहता हूं, बस इतना कहकर वापस आ जाइए। और लगभग रात 11 बजे के बाद साधना आपको शुरू करनी है। यह साधना 7 दिनों की है और इसका तरीका बताता हूँ मैं आपको। एक बाजोड़ पर 4-5 पक्की ईंट रखकर उस पर काला कपड़ा बिछाकर घी का दीपक प्रज्वलित करें। सामग्री को इस प्रकार से रखें कि इसमें एक सिगरेट, सियार की खाल का टुकड़ा, थोड़ी सी देसी शराब और सियार सिंगी यंत्र दीपक 4 मुख वाले हों, ये सब ले आपको लेने हैं। तिल का तेल, नारियल का तेल, हिना का सेंट, कोबरा का सेंट, गुलाब का सेंट, चमेली का तेल, इन सब को मिक्स कर लें सीमित मात्रा में, जो ये 7 दिनों तक चलता रहे। अब जब आप न्योता देकर आएंगे, उसके बाद रात को पहले ही दिन एक क्रिया करनी है कि कुछ कपूर की टिक्की और शराब की सियार की जो ख्याल है का टुकड़ा भी 2.5 ढक्कन शराब का भोग उसको लगाना है और आग जला करके रखनी है कपूर के ऊपर, और इस के साथ ही गुरु मंत्र और सब कुछ करने से जो है इससे रक्षा मंत्र की आवश्यकता भी जरूरी है इसमें, क्योंकि बहुत सी उग्र साधना ये है और इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं और हमारे गुरु जी का चैनल इस बात के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होंगे, आप ये साधना अपने भरोसे कर रहे हैं, क्योंकि ये काले जादू की साधना है और इसमें कालदेव को बुलाया जाता है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है। ये अपने गुरु के परामर्श से ही आपको करनी चाहिए, यहाँ पर विधि विधान ही बताया गया। ये 7 दिन की साधना में कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा, मन चंचल हो जाएगा, वो साधना छोड़कर भाग जाएगा, ऐसा ऐसी स्थितियां आपके सामने प्रकट होने लगेंगी। हाँ, इस भावना को एक बार सिद्ध करने के बाद, जैसे साधना को अगर सिद्ध कर लेते हैं, किसी दूसरी साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत शक्तिशाली साधना है ये, तो काल से ही पता चल जाएगा आपको।
कि कितनी ये खतरनाक है। ये इसको कहीं कहीं भी कर सकते हैं आप, अस्त्र वस्त्र कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मन में ये होना चाहिए कि मुझे त्रिकाल देव को प्रसन्न करना है, बस कुछ भी कर सकते हैं। इसके सबसे पहले साधना ये बुराई करने की कोशिश करती है। ये साधना जिसको भी करनी चाहोगे पर कोई बुरा ना करना, क्योंकि भाई इसे बुरा करने से गलत ही होता है। किसी का भी गलत प्रयोग करने से उसकी ज़िंदगी भर वो जो है काम करेगी लेकिन उसका नुकसान भी कर सकती है ये साधना। इस साधना के आगे कोई भी जैसे पीर हैं, जिन हैं, पिशाच हैं, डाकनी शाकनी, कोई आपके सामने फटक नहीं सकते हैं, यानी कि आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये जिस साधक ने भी की थी, जब रिजल्ट देखा तो वो भी हैरान रह गया था। ये साधना एक अनुभव के साथ साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस उस गुरु ने किसी मेरे दोस्त को दिया था, मुझे उसका भी नहीं पता गुरुजी वो कहाँ गया। हाँ इतना बता सकता हूँ कि उसके साथ गलत तो नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पर जाकर साधना कर रहा हो, तो इस वजह से उनकी जो है स्थिति जो है क्या हुई ये बता नहीं पा रहे हैं। आगे लिखते हैं कि गुरुजी मैं इसका जो मंत्र है वो दूंगा, गुप्त ही मैं नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसका पता चले सभी साधना करके अपने जीवन को बेहतर तरीके से बना सकते हैं या जी सकते हैं। साधना का जो मंत्र है वो इस प्रकार से है, बिस्मिल्ला आर सखी सुल्तान, रोहिंगों का पहलवान, चांदी का शेख, सोने का पक्खा, आकाश पाताल में तुम्हारा नाम, सच्चा तू सच्चा मैं, झूठा तुम्हारे नाम लग गया, मैंने बूठा लगा बूठा, उखाड़ बूठा दुश्मन का तू उखाड़ बूठा, तुम्हारे नाम का लगाया है मैंने सूटा, आमीन आमीन आमीन। गुरु जी आपकी मर्जी है, मंत्र दिखा भी सकते हो नहीं और नहीं भी, क्योंकि जिसके पास जिगर होगा वही इस साधना को करे, वरना अपने घर पे बोल के आने के बाद घर नहीं आऊँगा, वहीं से ले जाना मुझे शमशान, ऐसा समझना चाहिए। घर में आ सकते हो, घर में कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बस मन साफ होना चाहिए। और 7 दिन तक हर रोज 11 माला रुद्राक्ष की भी कर सकते हैं, काले हकीक से भी कर सकते हैं। हर रोज़ ये जो तेल और इत्र का मिक्स दिया हुआ है और इसका ही दीपक आपको जलाना है, चौमुखा दीपक होना चाहिए, उसको जला करके ये साधना आप कर सकते हैं। जब 7वें दिन मंत्र जाप के दौरान एक दृश्य नज़र आएगा, आते ही वो अपना भोग मांगेगा, तो उसका ही भोग है वो सिगरेट, उसे ही जलाकर दे दीजिए और बोलेगा कैसे याद किया, क्या काम है, तो आप हुकुम 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 यह ऐसे बोलेगा, तो उसको बोलना कि काल देव या त्रिकाल देव मैंने आपकी सिद्धि की है और मैं आपको अपने पास रखना चाहता हूँ और मेरा जो भी काम है वो आपको करना होगा और वो आपको ज़रूर वचन देगा, जी हाँ, और आपको जो भी काम होगा जीवन भर वो उसका काम को करता रहेगा। बस यही समस्या है कि बहुत खतरनाक साधना है और कीर्तन मंत्र करके साधना में बैठना चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा के जो भी मंत्र हैं उनका इस्तेमाल करके बैठना चाहिए ताकि खतरा ना रहे। बाकी गुरुजी लिखने में अगर गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। गुरुजी प्लीज़ आप मुझे गुरु मंत्र के बारे में और वीर स्खलन से कैसे बचे साधना काल में ज़रूर बताएं। 2-3 साधना है गुरुजी मेरे पास, उसकी बताई हुई माँ मसानी की और एक पाक साफ जिन की भी है, धीरे धीरे भेज दूंगा, मगर गुरुजी समय नहीं मिल पाता है, 5 पीरों की कहानी भी अधूरी है, उसको भी जल्दी भेजूंगा। जब तक के लिए आपको मेरा दिल से प्यार भरा प्रणाम, निखिल कुमार मुजफ्फरनगर। तो इन्होंने देखिए ये अनुभव के साथ में हल्का सा बताई है साधना की किस प्रकार से ये साधना काल देव या त्रिकाल देव की कर सकते हैं आप। ये एक मुस्लिम पद्धति से की जाने वाली हिंदू साधना है। इस साधना से एक खतरनाक शक्ति प्रकट होती होगी, शमशानी शक्ति, जो सभी प्रकार की, क्योंकि काल शक्ति है इसलिए आप यम शक्ति मान सकते हैं या इस तरह की कोई भी शक्ति को आप मान सकते हैं जो भगवान शिव की एक प्रकार से शक्ति कहला सकती है, क्योंकि उतनी शक्ति उसमें तभी होगी तभी वो काल शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया। तो चलिए सबसे पहले तो आपके प्रश्न की उत्तर दे दिया जाए कि आपने पूछा था कि आपके इन वीडियो के नीचे लिंक रहता है। हाँ, मेरे वीडियो के नीचे जो लिंक रहता है उस लिंक से यह है कि आप जाकर के उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे, जिस वीडियो से दीक्षा का वीडियो है, अगर आप उस पर 2100 रुपये खर्च करते हैं मोबाइल नंबर डाल करके, ईमेल डायल करके, तो वहाँ पर से आप अपने उस वीडियो को परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो परचेज करने के बाद उस वीडियो को देख करके जो भी लिंक जिस तरह से भी उस वीडियो में बताया गया है उस तरह से आप
प्रक्रिया अपनाइए और आपकी दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी। जो जो उसमें कहा गया बिल्कुल वही वही कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि गुरु दीक्षा के बारे में पूरी जानकारी और आर्टिकल के बारे में पढ़ना चाहते हैं और साथ में साथ इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं कैसे आपको लेने हैं दीक्षा, तो सबसे सच्चा और सरल तरीका है www.dharmrahasya.com। ये वेबसाइट का नाम है मेरी। वहाँ पर आप जाएंगे, उस पर जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक होगा ऊपर के लिखा होगा कहीं पर गुरु दीक्षा वीडियो, तो गुरु दीक्षा परंपरा या गुरु दीक्षा वीडियो का वीडियो में आपको मिलेगा। वहाँ पर जाकर के उसको फिर क्लिक करेंगे तो फिर आप वहाँ पर उसकी पूरी जानकारी होगी कि गुरु दीक्षा आखिर क्यों लें, गुरु दीक्षा के नियम क्या क्या हैं, हिंदी में वहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे वीडियो होगा कि गुरु दीक्षा किस प्रकार से ली जा सकती है, और साथ ही साथ वो लिंक होगा जहाँ से आप उस पेज पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं वीडियो, यानी वीडियो खरीद सकते हैं। उस वीडियो खरीद करके उसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो वीडियो खरीदेंगे तो दीक्षा मुझ तो अपने आप ही पहुँच जाती है, फिर खाली आपको उस प्रक्रिया को अपनाना होता है जो वीडियो में बताया गया है। इससे आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कि क्योंकि वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है इसलिए वेबसाइट थोड़ा धीरे खुलती है, इसलिए परेशान ना हो और थोड़ी देर बाद खुलेगी, कभी कभी आधा मिनट खुलने में वेबसाइट लग जाता है। लगभग मेरी वेबसाइट तक पहुँचने में ज़्यादातर लोगों को टाइम लगता है, एक गोल चक्का सा है वहाँ घूमता रहता है, तो इस वजह से पेशेंस रखें और आराम से उसको खोलें वेबसाइट को। जब वो खुल जाएगी तो फिर वहाँ पर गुरु दीक्षा ऊपर लिखा होगा, उस पर क्लिक करके उस जगह तक पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ जो नीचे गुरु, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानना चाहते हैं और पढ़ना नहीं चाहते, अगर आपको सब पता है तो हम नीचे लिंक होता है, उस लिंक से सीधे सीधे इंस्टा मोजो अकाउंट में आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पर जा करके उसको क्लिक करेंगे और उस वीडियो को परचेज कर लीजिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या अन्य माध्यम जो भी उसने बताए हैं वहाँ पर आप उनके माध्यम से। उसमें आपको अपना नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तीनों चीज़ें डालनी पड़ेंगी। आपके मोबाइल में कम से कम 1 GB का स्पेस खाली होना चाहिए तभी आपका वीडियो वो डाउनलोड होगा, वरना आप साइबर कैफ़े में जा कर के उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तभी आपको प्रक्रिया सब कम्पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि कई लोगों के पास इनफ स्पेस नहीं होता, इस वजह से वीडियो पूरा डाउनलोड नहीं हो पाता, इसलिए 1 GB कम से कम स्पेस खाली होना चाहिए तभी वीडियो पूरा वो डाउनलोड होगा। उसके बाद जो जो वीडियो में बताया गया उसी तरह करें और आपकी इस प्रकार से दीक्षा का जो है पूरा का पूरा आपको ज्ञान हो जाएगा किस तरह से आपको वो चीज़ करनी है। तो ये था आज का इनका वीडियो कालदेव की साधना के साथ साथ में कि गुरु दीक्षा किस प्रकार से लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।